चीन से जारी सीमा विवाद के बीच लद्दाख से सांसद जमयांग सेरिंग नामग्याल ने सीमा से लगे इलाकों का दौरा किया है। पेंगयोंग झील के इलाके के आसपास सीमाई गांव में 3 दिनों का दौरा करने और वहां की स्थिति जानने के बाद नामग्याल ने बताया कि कैसे चीन ने बॉर्डर पर दूसरी तरफ बाहर से लोगों को लाकर बसा दिया है। मैं देश को एक संक्षेप में ये बताना चाहूंगा, कल मेरे 4, 5, 6 तारीख को 3 दिन का मेरा प्रवास रहा, खासकर LAC जो पेंगोंग लेक के एरिया में, जहाँ पे चाइनीज इंट्रूजन का जो न्यूज़ आजकल दुनिया में चल रहा है। तो ये इस 3 दिन के टूर में मैंने कोशिश किया बॉर्डर पे जाके फिजिकली मैं अपने आँखों से देखूँ कि क्या चल रहा है, और अपने लोगों से मिल के सिविलियन पॉपुलेशन से मैं फीडबैक लूँ, इंडियन आर्मी से मैं फीडबैक लूँ, और जितना हो सके मैं पर्सनली इस सिचुएशन को समझने की कोशिश मैंने किया, क्योंकि इस इलाके के इस लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ लद्दाख के मेंबर पार्लियामेंट होने के नाते मेरा भी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस सिचुएशन को बिल्कुल करीब से देखना और अपने कर्तव्य निभाने के। बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशंस है जो ये मुद्दा ही मैं समझता हूँ एक संवेदनशील मुद्दा है, देश की सीमा सुरक्षा से संबंधित है, तो बहुत सारी चीज़ें मैं हम मीडिया में शेयर नहीं कर सकते, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं देश को बताना चाहूँगा, जो भी आजकल हो रहा है ये नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में सरकार की ओर से भी और इंडियन आर्मी की ओर से भी और सिविलियन पॉपुलेशन की ओर से भी देश को ये आश्वस्त करते हैं कि बॉर्डर पे एक इंच भी जमीन हमारा जो है चाइना को लॉस नहीं होगा, और साथ ही साथ वहाँ इंडियन आर्मी के साथ साथ सिविलियन पॉपुलेशन जो वहाँ वहीं की जो रेजिडेंट है सदियों से वहाँ रह रहा है, याक को लेके, पश्मीना गोट को लेके, और छोटे मोटे टूरिज्म से पेंगोंग लेक जो है एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहाँ दुकानें और रेस्टोरेंट चला के जो अपने जीवन गुजारते हैं, उन लोगों से भी ये सुनने को मिलता है कि जो भी होगा देश के हित के लिए सब लोग जो है देश को सीमा सुरक्षा करने के लिए हमेशा 24/7 जो है सब चौकन्ना रहे हुए हैं। इंडिया टुडे से खास बातचीत में नामग्याल ने उस चीनी चाल का पर्दाफाश किया जिसे पीएलए रच रही है। लद्दाख के डेमचोक गांव के सामने चीन ने अपनी साइड नया डेमचोक गांव बसा दिया है जो पहले कभी था ही नहीं। चीन ने वहां 13 नए मकान बनाए हैं और वहां सड़क टेलीकॉम की सुविधा शुरू कर दी है। एक चीज ये चर्चा में लाना चाहूंगा, डेमचोक स्पेसिफिकली जो डेमचोक जो है हमेशा न्यूज में रहते हैं, कल मैंने ट्विटर पे एक फोटो भी शेयर किया था, वहां पे जो ओरिजिनल डेमचोक है वो अभी इंडिया के पास है, उसी के डेमचोक के बगल में एक नाला जाता है चर्डिंग नाला, उस नाला के बगल में नया डेमचोक जो चाइना ने वहां पे बसाया, पहले वो डेमचोक बिल्कुल ही नहीं था, चाइना ने वहां पे न्यूली सेटल्ड कॉलोनी स्ट्रक्चर्ड 13 स्ट्रक्चर्ड हाउस बना के उनको टेलीविजन के साथ, डिश के साथ, मोबाइल टावर के साथ, ब्लैक टॉप रोड के साथ पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके उनको दिया, और उन वहां जो इर्द गिर्द में रहने वाले जो नोमेड्स है जो हमेशा टेंट लेके जो याक वूल से बने हुए टेंट लेके अकॉर्डिंग टू पास्टर लाइन मूव होते रहते हैं, उनको लाके वहां पे परमानेंटली सेटल किया। सांसद नामग्याल ने अपने दौरे की जानकारी ट्विटर पर फोटो शेयर कर दी। फोटो के साथ ट्वीट में नामग्याल ने लिखा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मेरा वचन है भारत माँ को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। सीमा पर जारी विवाद के बीच पूरी सरकारी मशीनरी एक्शन में है और चीन को हर स्तर पर जवाब देने के लिए तैयार खड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।